चलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक और ये है बोट रॉकर्स 255 टच नेकबैंड स्टाइल ब्लूटूथ ईयरफोन का बॉक्स। और इस नेकबैंड स्टाइल के ईयरफोन को हम पिछले 3 दिनों से यूज कर रहे हैं। अमेजोन से हम इसको 1500 रुपीज में परचेज किए थे। एंड ये जो नेकबैंड है ना, ये फुल टच कंट्रोल्स के साथ आता है, मतलब इसमें आपको कोई भी फिजिकल बटन नहीं मिलता है। साथ ही किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन के साथ इसको पेयर कर सकते हैं एंड टच कंट्रोल्स किस तरीके से वर्क करता है वो सब कुछ शेयर करेंगे। एंड पिछले 3 दिनों से यूज कर रहे हैं तो हम अपना रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें एक स्पेशल बायोनिक साउंड वाला मोड मिलता है पावर्ड बाय डायरेक्ट ऑडियो, वो कैसा है और इसका नॉर्मल मोड कैसा है। और इसमें आपको एक 40 मिलीसेकंड का बीस्ट मोड या लो लेटेंसी मोड मिलता है, तो गेमिंग के लिए वो कैसा है वो सब कुछ हम आपके साथ लेटेंसी टेस्ट के साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये नेकबैंड परचेज करना हो तो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अब आप इस चैनल को जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन करके टेक्सक्रू के मेंबर बन के, और उसका आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेगा लाइक कुछ स्पेशल गिवअवेज, कुछ स्पेशल वीडियोस। वैसे तो इस नेकबैंड का एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी हम आपको बता दें कि बॉक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, कुछ जो है ना आपको यूजलेस पेपर्स, यूजर मैनुअल, इस तरीके के टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल के साथ। एंड बॉक्स पे जो है ना कुछ हाइलाइटेड फीचर्स मेंशन है, जैसे कि स्पेशल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय डायरेक्ट। इसके अलावा फुल टच कंट्रोल्स आपको मिलता है, कोई बटन आपको नहीं मिलता, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। 10mm का इसमें ड्राइवर यूज किया गया है। बॉक्स के बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 40 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी मोड जो है वो मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैग्नेटिक पावर ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है। टोटल आपको इसमें जो है ना 30 आवर्स का प्ले टाइम बैटरी बैकअप मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पे क्विक चार्ज मिल जाएगा, 10 मिनट चार्ज करके आप 10 आवर का बैटरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। टाइप सी इंटरफेस है चार्जिंग के लिए। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 यूज किया गया है एंड IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस के साथ आता है ये नेकबैंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस नेकबैंड का, तो नेकबैंड में जो है ना आपको नेकबैंड वाला एरिया एकदम फ्लेक्सिबल मिल जाता है, सिलिकॉन टाइप का मटेरियल है। एंड 1500 रुपीज के प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बोट का हम जितना भी नेकबैंड अभी तक यूज किए हैं उनमें सबसे अच्छा बिल्ड क्वालिटी हमको इसका लगा। जो भी फिट एंड फिनिश है ना वो भी काफी यहाँ पे अच्छा लगा हमको। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है ना इस तरीके का प्लास्टिक कैप्सूल आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे कोई भी बटन्स नहीं है। ये जो मल्टीफंक्शन वाला एरिया है ये भी आपको टच कंट्रोल ही देखने के लिए मिलता है। साथ ही यहाँ पे वॉल्यूम माइनस एंड वॉल्यूम प्लस के लिए जो एरिया दिया गया है ये कंप्लीट आपको टच कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको एक LED लाइट दिया गया है जो कि आपको पेयरिंग स्टेटस एंड चार्जिंग स्टेटस इंडिकेट करेगा। एंड इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है ना वायर्स देखने के लिए मिलता है और ये नॉर्मल रबराइज्ड वायर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईयर टिप्स का, तो ये प्लास्टिक बिल्ड में आपको देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पे आपको इस तरीके का मैग्नेटिक कनेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा ईयर ग्रिप के लिए इस तरीके का हुक भी दिया गया है। एंड यहाँ पे ईयर टिप्स में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ना ये हमको उतना स्ट्रांग नहीं लगा, काइंड ऑफ वीक है, थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सकता था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस ईयर टिप के ईयर ग्रिप का, तो वो भी हमको उतना अच्छा नहीं लगा। नॉर्मल अगर आप घर में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं या म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये आपके कान से इजीली नहीं निकलता है। बट वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, कोई हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं आप, उस दौरान जो है ना ये इजीली आपके कान से निकल जाएगा। इसके अलावा इस नेकबैंड में जो है ना आपको चार्ज करने के लिए एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है एंड इसमें 200 mAh का बैटरी है, जिससे आपको जो है ना 30 आवर्स के अराउंड का बैटरी लाइफ मिल जाएगा। इजीली अगर आप फुल वॉल्यूम पे भी सुनते हैं ना तो आपको 24-25 आवर्स का बैटरी लाइफ मिल जाना चाहिए। अब इस नेकबैंड को जो है ना ऑलरेडी हम अपने स्मार्टफोन के साथ यूज कर रहे हैं, तो फटाफट से जो भी इसका कंट्रोल्स है वो सब कुछ देख लेते हैं। साथ ही इसको कैसे आप रीसेट कर सकते हैं, इसके पेयरिंग डिवाइस के लिस्ट को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब फिलहाल इस नेकबैंड को जो है ना हम स्मार्टफोन के साथ यूज कर रहे हैं एंड इसमें आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला फीचर मिलता है, तो जैसे ही आप इन दोनों ही ईयरबड्स को अलग करेंगे ना ये लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगा। बट कनेक्शन जो है ना वो बहुत ही इंस्टेंट नहीं है, आप देखिए कि यहाँ पे 3-4 सेकंड का टाइम लगा। जैसे ही इन दोनों ईयरबड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं अगेन ये डिसकनेक्ट हो गया इंस्टेंटली। जैसे ही इन दोनों को अलग करते हैं और यहाँ पे हम अनकट रिकॉर्ड कर रहे हैं, 3-4 सेकंड के आसपास का टाइम जो है वो लग जाता है इसको कनेक्ट होने में लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से। अब इस नेकबैंड को अगर आपको रीसेट करना है ना, तो यहाँ पे जो आपको दो टच कंट्रोल्स वाला लाइन देखने के लिए मिल रहा है इसके ऊपर आपको 5 टाइम टैप करना है कुछ इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो नेकबैंड है ना ये मेरे स्मार्टफोन से डिसकनेक्ट हो गया है एंड ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में चला गया है। अब अगर हम इन दोनों ही ईयर टिप्स को आपस में कनेक्ट करते हैं
एंड वापस से अगर इन दोनों को मैग्नेटिकली डिस्कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लास्ट कनेक्टेड डिवाइस से ये कनेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस नेकबैंड का जो कनेक्टेड डिवाइस का लिस्ट है उसको क्लियर कर सकते हैं या इसको रीसेट कर सकते हैं। किसी भी टच कंट्रोल्स के ऊपर आपको 5 टाइम टैप करना होगा। नेक्स्ट, अगर आपको इस नेकबैंड को अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर करना है तो उसके लिए जो है ना आपको इन दोनों ही ईयरबड्स को अलग करना है। और जैसा कि हम आपको बताएं मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला डिजाइन है, तो जैसे ही आप इन दोनों को अलग करेंगे आपका नेकबैंड जो है वो ऑन हो जाएगा और इस तरीके से रेड एंड ब्लू कलर में इसका एलईडी लाइट ब्लिंक करेगा, मतलब कि ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। अगर इन दोनों ही ईयरबड्स को अलग करने के बाद आपका नेकबैंड ऑन नहीं होता है या पेयरिंग मोड में नहीं आता है ना, तो आप इस टच रिंग को 3 सेकंड तक टच एंड होल्ड करके रखेंगे एंड आप मैनुअली भी इस नेकबैंड को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको मैनुअली भी ऑफ कर सकते हैं। लाइक आपको इस टच रिंग को जो है ना 5 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा एंड आप देखेंगे कि आपका नेकबैंड जो है वो इस तरीके से ऑफ हो जाता है। अगेन, अगर आपको इसको ऑन करना है तो यहाँ पे जो है ना इस टच रिंग को आपको 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड या टच एंड होल्ड करके रखना है, बिकॉज ये कोई बटन नहीं है एंड आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो गया है। अगेन, ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग अपने स्मार्टफोन में जो है ना ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे पेयर न्यू डिवाइस के ऊपर टैप करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल डिवाइसेज में रॉकर्स 255 टच शो कर रहा है, तो जस्ट इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड इंस्टेंटली ये जो है ना मेरे नेकबैंड के थ्रू स्मार्टफोन पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद जो है ना इस तरीके से आपको सिर्फ ब्लू लाइट ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, रेड लाइट नहीं दिखेगा। एक बार जब आपका नेकबैंड आपके स्मार्टफोन के साथ पेयर हो जाता है ना, उसके बाद आप इस तरीके से टच कंट्रोल्स पे स्वाइप अप करके जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं एंड टच कंट्रोल्स हम पिछले 3 दिनों से यूज कर रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और इस तरीके से आप स्वाइप डाउन करके जो है ना वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। आप म्यूजिक प्लेयर में, यूट्यूब पे या कहीं पे भी वीडियोज या म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं अपने फोन पे, किसी भी टच कंट्रोल्स के ऊपर अगर आप डबल टैप करते हैं ना तो आप म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं एंड डबल टैप करके आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। इस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, जैसा कि हम आपको पहले बताया, इस तरीके से अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो आप वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, स्वाइप डाउन करके आप वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट ट्रैक पे जाना है तो इस तरीके से आप स्वाइप करके नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली ये जो स्वाइप है या जो टच कंट्रोल्स है ना वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ट्रैक पे जाना है तो आप अगेन इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से अगर स्वाइप करते हैं तो आप प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम आपको बताया, इस नेकबैंड में जो है ना आपको एक स्पेशल बायोनिक साउंड मोड मिलता है, उसको इनेबल करने के लिए जो टच रिंग मिलता है ना इसको आपको डबल टाइम टैप करना है एंड आप स्पेशल बायोनिक साउंड मोड को इनेबल कर पाएंगे। साउंड नोटिफिकेशन जो है ना आपको ईयरबड्स पे सुनाई देगा और फिर से अगर आप इसको डबल टैप करते हैं तो फिर से आप नॉर्मल मोड में स्विच कर पाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपके कनेक्टेड फोन पे कोई भी इनकमिंग कॉल आता है किसी भी टच कंट्रोल के ऊपर जो है ना डबल टैप करके जो है ना आप कॉल को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल जो है वो रिसीव हो गया है एंड अगेन अगर हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं ना तो कॉल को आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए किसी भी टच कंट्रोल्स के ऊपर जो है ना आप टैप एंड होल्ड करके रखेंगे 2 सेकंड तक, तो आपका जो इनकमिंग कॉल है वो इस तरीके से रिजेक्ट हो जाएगा। कनेक्टेड फोन पे वॉइस असिस्टेंट इनेबल करने के लिए जो आपको टच रिंग मिलता है इसको आपको जो है ना टच एंड होल्ड करके रखना है 2 सेकंड तक एंड उसके बाद आप इस तरीके से वॉइस असिस्टेंट वेकअप कर सकते हैं अपने कनेक्टेड फोन पे। तो अभी जो हम आपको लेटेंसी टेस्ट दिखा रहे हैं ये नॉर्मल मोड का लेटेंसी टेस्ट है। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना इसका 20 मोड या 40 मिलीसेकंड वाला जो लो लेटेंसी मोड है उसको इनेबल कर लेते हैं एंड आपको इनेबल करने के लिए जो है ना किसी भी टच कंट्रोल्स के ऊपर जो है ना 3 टाइम टैप करना पड़ेगा एंड आपको एक वॉइस नोटिफिकेशन सुनाई देगा बीस्ट मोड का। तो अब जो हम लेटेंसी टेस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये 40 मिलीसेकंड वाले लो लेटेंसी मोड इनेबल करने के बाद का है। तो फ्रेंड्स, बोट के इस रॉकर्स 255 टच नेकबैंड के बारे में आपके साथ जो भी शेयर कर सकते थे कंट्रोल से रिलेटेड एंड लेटेंसी टेस्ट हम आपके साथ शेयर किए। सबसे पहले अगर हम लेटेंसी के बारे में बात करते हैं तो जो इसका नॉर्मल मोड मिलता है वो तो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, लेटेंसी बहुत ज्यादा है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसके 40 मिलीसेकंड वाले लो लेटेंसी मोड के बारे में ना, तो वो भी हमको बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा, उसमें भी हमको लेटेंसी काफी ज्यादा नोटिस हुआ। बोट का इससे पहले हम काफी सारा ईयरफोन्स या अदर ब्रांड्स का भी हम काफी सारा ईयरफोन्स ट्राई किए हैं जिसमें इससे बेटर लेटेंसी देखने के लिए मिलता है। कैजुअल गेमिंग के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन लेना चाहते हैं ना तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि अगर आप प्रो गेमर हैं आपको बिल्कुल लेटेंसी नहीं चाहिए, फिर आप वायर्ड ईयरफोन हेडफोन के साथ जाइए।
वायरलेस में आपको कुछ ना कुछ लेटेंसी देखने के लिए मिलेगा। इसका लेटेंसी हमको इसके बीस मोड में भी उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोट के इस नेकबैंड के साउंड क्वालिटी का। तो बोट का कुछ समय पहले जो भी नेकबैंड या जो भी ईयरफोन आता था ना, उसमें बेस काफी ज्यादा बूस्टेड रहता था, जो कि हमको उतना ज्यादा पसंद नहीं आता था। बट हाल ही के कुछ दिनों में जितना भी हम बोट का नेकबैंड या जितना भी ईयरफोन ट्राई किए हैं, उसमें हमको साउंड जो है वो बैलेंस्ड लगा। और वही हालचाल इसका भी है, मतलब इसका साउंड भी जो है ना नॉर्मल मोड में हमको बैलेंस लगा। अच्छा बेस, अच्छा ट्रेबल है, ठीक ठाक क्लियर वोकल्स है, ठीक ठाक इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है, और उसके अकॉर्डिंग हमको जो इसका नॉर्मल मोड है वो ओके लगा है। अगर आपको बेस बूस्टेड साउंड पसंद आता है, थोड़ा सा सराउंड वाला इफेक्ट चाहिए, तो इसमें जो आपको स्पेशल बायोनिक साउंड वाला मोड मिलता है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं। उसका साउंड जो है हमको थोड़ा सा बेस बूस्टेड फील हुआ। तो साउंड क्वालिटी हमको इस ईयरफोन का जो है ना ओके लगा, मतलब अच्छा जैसा लगा। इसके अलावा इसमें आपको 10mm का ड्राइवर मिलता है, जो कि 70-80% वॉल्यूम पे भी हमको ठीक ठाक लाउड लगा। 100% वॉल्यूम पे हमको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन, थोड़ा सा आवाज फटने जैसा फील हुआ। बाकी ब्लूटूथ वर्जन 5.3 यूज किया गया है। कनेक्टिविटी या रेंज से रिलेटेड हमको कोई भी इशू फील नहीं हुआ। बैटरी लाइफ का अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स ये 100% चार्ज था, और पिछले 3 दिनों से हम यूज कर रहे हैं। कॉलिंग के लिए भी यूज किए, म्यूजिक एंजॉय भी किए, इसके अलावा मूवीज भी हम देखे, एंड अभी भी जो है ना 50% बैटरी जो है वो रिमेनिंग है। तो बैटरी लाइफ हमको अच्छा ही लगा है अभी तक। इसके अलावा कॉलिंग के दौरान जो इसकी माइक का क्वालिटी है, उसमें भी हमको ऐसा सच कोई इशू नहीं लगा। कोई वॉइस ड्रॉप वाला इशू या कोई डिस्टॉर्शन वाला इशू हमको फील नहीं हुआ। इसके अलावा इस ईयरफोन का कुछ कॉन्स का बात करें या कुछ नेगेटिव पॉइंट जो डील ब्रेकर हो सकता है, लाइक इसका ईयर ग्रिप जो है ना वो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगर आप वर्कआउट के लिए या हैवी एक्टिविटी के दौरान इसको यूज करना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि आपको इसके साथ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इसका ईयर ग्रिप बिल्कुल बेकार है। अगर आप थोड़ा भी एक्टिविटी करते हैं, ये आपके कान से इजीली निकल जाएगा। इसके ईयरबड्स में ये जो ईयर हुक दिया हुआ है, ये भी किसी काम काम को नहीं लगा। इससे कोई आपको एक्स्ट्रा ईयर ग्रिप में सपोर्ट नहीं मिलता है। दूसरा इसका जो कॉन या नेगेटिव पॉइंट लगा वो है इसका लेटेंसी, मतलब कि अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हैं, तो इसका जो बीस्ट मोड है या जो नॉर्मल मोड है उसमें लेटेंसी बहुत ज्यादा है। मतलब कि गेमिंग के लिए हम इस ईयरफोन को रेकमेंड नहीं करेंगे। नॉर्मल म्यूजिक के लिए या फिर अगर आपको एक टच कंट्रोल वाला नेकबैंड चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। इस ईयरफोन के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।